अभी हम जिस परिवार में खड़ा हुए हैं जहाँ के संबंधित क्षेत्र न्यायाधीश चिन्हित होके आए हैं, आज बात करते हैं अपने माँ बाप से। जब बच्चा कुछ ऐसी उपाधि लेके आता है तो माँ बाप के दिल में कितनी खुशी महसूस होती है, कितना गौरव महसूस करते हैं। बात करते हैं उनकी माता, आज आपको कैसा लग रहा है जब बच्चे को? बहुत अच्छा लग रहा है। जब बच्चा इस तरह करता है तो माँ बाप के दिल में कितनी खुशी होती है? और कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेहनत बहुत की है इसमें, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली दादाजी दिया के आशीर्वाद दिया है। यहाँ आए जितने लोग हैं उन्होंने मेरे आनंद को और ज्यादा चार चांद लगा दिए, कई फूल बढ़ा दिया। मैं बहुत गौरवित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से बात करते हैं, बच्चा जब ऐसी कामयाबी लेके तो गुरु को कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होती है। एक्चुअली ये 2004 में इन्होंने बोल दिया था, घोषणा की दिशा उन्होंने बोला था कि ये जज बनेगा। जब ये आई टी तैयारी कर रहा था, वो आई टी सफल भी हुआ था, खैर नहीं गया, अलग बात है, लेकिन उनकी बात 2004 भी आज गुरु जी की बात आज बिल्कुल सत्य हुई। और गुरु जी ने भी बहुत बताया कि किस तरह की खुशी मिलती है जिससे युवा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बात करते हैं, युवा समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप कभी भी ना मंजिल की ओर जा रहे हैं तो रास्ते का जरूर ख्याल रखें, कौन सा रास्ता आप चल रहे हैं और सही रास्ते पे टिके रहे। मंजिल आज नहीं तो कल देर से मिल जाए, और मंजिल ना भी मिले तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप सही रास्ते पे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।